ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजधानी रायपुर में आज से शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय लोक नृत्य महोत्सव मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई से कल जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से शुरू हुई धान खरीदी और नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम होने की अफवाह के बाद रायपुर एयरपोर्ट में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दो दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर 21 राज्यों के आदिवासी नर्तक दलों के कलाकारों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, कुल प्रतिभागी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 21 यहां पहुंचे हुए हैं। प्रतिभागी दल है 28 और कलाकारों की संख्या है 565। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय के गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी गांवों के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के 6,691 आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और जनजाति समुदाय के कल्याण के काम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। कल पूरे अमर छत्तीसगढ़ के हर जिला में एक दिवसीय जिला स्तर के जनजातीय गौरव दिवस के समारोह होना है, जिसमें हमार सरकार के मंत्री सांसद विधायक सब जाने वाला है। तो इस तरह से ये जनजातीय गौरव दिवस बड़े धूमधाम के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जाते है। रायपुर में हो रहे इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत दो दिनों तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, जनजातीय कला चित्र प्रदर्शनी के साथ ही देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों, खासकर जनजातीय समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल 15 नवम्बर को बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण तथा दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रूपये से अधिक की राशि के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में हो रहे समारोह को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों में सीधा प्रसारण कर दो तरफा संवाद की व्यवस्था की जाएगी। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ ही कल 15 से 26 नवंबर तक सभी चिन्हांकित गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के भाटा गांव से धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से खरीदी केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस बार 27 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया, यह कहा। सरकार द्वारा धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2,700 से अधिक उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस की व्यवस्था की गई है। धान खरीदी के पहले दिन खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा रायपुर जिले के तहत अभनपुर के केंद्रीय और पिपरौद गांव के धान खरीदी केंद्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तराजू से धान खरीदने की प्रक्रिया और बायोमेट्रिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान संपन्न हुआ। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए रायपुर के जिला उप निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने बताया कि मतदान के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सेज बहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम को मतगणना के दिन 23 नवम्बर को खोला जाएगा। श्री बंदे ने बताया कि इस उपचुनाव में 50.50% लोगों ने वोट डाले हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन करेंगे। नई औद्योगिक नीति को उद्योग विभाग द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूहों, संबंधित विभागों के साथ संवाद और विचार विमर्श कर तैयार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद आज विमान की रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस विमान में 187 यात्री और करीब 6 क्रू मेंबर सवार थे। रायपुर में विमान पहुंचने के बाद सीआईएसएफ और रायपुर पुलिस की टीम ने सभी यात्रियों को विमान से उतारकर पूरे विमान की तलाशी ली। इस तलाशी में विमान या किसी भी यात्री के सामान में कोई विस्फोटक नहीं मिला। बाद में विमान को कोलकाता के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस ने विमान में बम होने की गलत सूचना देने के आरोप में नागपुर के रहने वाले अनिमेश मंडल नाम के यात्री को गिरफ्तार किया है। बाद में आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बस्तर जिले के किलेपाल क्षेत्र में आज सुबह एम्बुलेंस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एम्बुलेंस सवार दो मेडिकल स्टाफ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह एम्बुलेंस किरंदुल स्थित एनएमडीसी अस्पताल से एक मरीज को लेकर रायपुर मेडिकल कॉलेज आ रही थी। एम्बुलेंस में 8 लोग सवार थे। इसी दौरान कोडिनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह हादसा हो गया। इधर गरियाबंद जिले में बीती रात ड्यूटी के बाद देवभोग वापस लौटते समय एसडीएम तुलसीदास मरकाम की गाड़ी अनियंत्रित होकर धवलपुर नाले के पास पलट गई। इस घटना में एसडीएम और तहसीलदार विजय सिंह को मामूली चोटें आई हैं। वहीं गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिलासपुर कटनी सेक्शन के नौरोजाबाद स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमोल्डिंग का कार्य 24 से 30 नवंबर तक किया जाएगा। इसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाली 24 गाड़ियां रद्द रहेंगी। वहीं दो गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रद्द होने वाली गाड़ियों में बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस और रीवा चिरमिरी पैसेंजर सहित 24 गाड़ियां शामिल हैं। बस्तर संभाग के सभी जिलों में इन दिनों बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाके में बच्चों से लेकर बुजुर्गों में बस्तर ओलंपिक को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। बस्तर ओलंपिक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारना है। नारायणपुर के बोरावंड गांव के खिलाड़ियों ने इस आयोजन की सराहना की है। बस्तर ओलंपिक के पहले चरण में 6 से 16 नवंबर तक विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं दूसरे चरण में 19 से 26 नवंबर तक जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद अंतिम चरण में संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बस्तर ओलंपिक के तहत खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, तवा फेंक, फुटबॉल, गोला फेंक, तीरंदाजी और बैडमिंटन जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के वातावरण में नमी की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हो रही है। 16 नवंबर से न्यूनतम तापमान में कमी होगी और ठंड बढ़ने लगेगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव कल मुंगेली में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रदेशव्यापी हितग्राही सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर में आज एक अत्याधुनिक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार ने 7 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। संजीव कुमार झा को पाठ्यपुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सचिव दिनेश शर्मा ने पंडित नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की न्यायिक रिमांड अवधि 23 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख ने विभागीय समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर मोहला वन मंडल में पदस्थ रेंजर हरी सूरज बली सिन्हा को निलंबित कर दिया है। बेमेतरा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में एसडीएम और एक नगर सैनिक को गिरफ्तार किया है।
गीत वितान कला केंद्र की ओर से भिलाई के जयंती स्टेडियम में 17 नवंबर को शाम 6 बजे से संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा और गोवा में कल से आयोजित होने जा रहे एशियाई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इसमें दंतेवाड़ा जिला के 5 खिलाड़ी भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रायपुर में आज से शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय लोक नृत्य महोत्सव मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई से कल जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से शुरू हुई धान खरीदी और नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम होने की अफवाह के बाद रायपुर एयरपोर्ट में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।